हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ चेकलिस्ट ऑफ नॉर्मल डिलीवरी सेकेंड स्टेज ऑफ लिवर। ठीक है, सबसे पहले यू शुड इंश्योर द वुमन्स ब्लडर इज एम्प्टी। ठीक है, एंड हाउ वी चेक, पालपेट द सुप्रा प्यूबिक रीजन। सुप्रा प्यूबिक रीजन को पालपेट करके देखना है कि मदर का जो ब्लडर है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर मदर को दर्द कम आ रहे हैं प्रेगनेंट वूमेन को और वो खुद से जो है वो वॉशरूम जा सकती है, तो हमें उन्हें कहना है कि आप ब्लडर को एम्प्टी करके आइए या पेशाब करके आइए। ठीक है, तो उसके बाद, और अगर वो नहीं जा सकती है, उसे दर्द ज़्यादा आ रहे हैं, तो K90 के द्वारा, या फिर अगर K90 भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कैथेटर के द्वारा हम ब्लडर को एम्प्टी करेंगे। ठीक है, इसके बाद एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द लेबर। अगर हम एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ नहीं करेंगे तो मदर को जो है वो सेप्सिस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एपी दिया है तो उसमें भी पस फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है, तो हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। वॉश हैंड एंड पुट ऑन स्टराइल ग्लव्स। ठीक है, हैंड वॉश करना है और स्टराइल ग्लव्स को वियर करना है। क्लीन द वुमेंस पेरिनियम। वुमन के जो पेरिनियम को क्लीन करने के लिए कॉटन बॉल में हम जो एसेप्टिक सॉल्यूशन होता है ना, बीटाडीन सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, उसमें कॉटन बॉल पे लिक्विड सॉल्यूशन डाल के आउटर टू इनर जो है हमें पेरिनियम को क्लीन करना है, अंदर से बाहर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, और एक स्ट्रोक में एक ही बॉल का यूज़ करना है और उसे फिर हमें डिस्कार्ड कर देना है किडनी ट्रे में, या फिर हम उसे येलो जो डस्टबिन है उसमें भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। देन हमें सेकेंड जो बॉल है वो लेना है एसेप्टिक सॉल्यूशन वाला, और उसको भी सेम प्रोसीजर, इनर टू आउटर, अंदर से बाहर की ओर हमें क्लीन करना है। हम रिपीट भी इसको कर सकते हैं, एक बार में एक ही कॉटन बॉल को यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर वो आपका एक स्ट्रोक में क्लीन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमें सेकेंड स्ट्रोक दूसरे जो बॉल के साथ हमें लेना है। इसको आप चिटिल फोर्सेप्स से कैरी कर सकते हैं, कॉटन जो बॉल है उसको। ठीक है, हाथों से पकड़ के क्लीन नहीं करना है। देन जो बेबी का हेड है उसकी हमें डिलीवरी करवाने के लिए जो मदर है उसको हम इनकरेज करेंगे कि उन्हें जो दर्द आ रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रेक्शंस है वो पुश करे, नीचे की ओर जो है वो पुश करे। ठीक है, कंट्रोल द बर्थ ऑफ द हेड विद फिंगर्स ऑफ वन हैंड टू मेंटेन फ्लेक्शन। एक हाथ की जो उंगलियां हैं उससे हमें जो हेड है, ठीक है, उसके फ्लेक्शन जो है ना, फ्लेक्शन उसको मेंटेन करना है ऐसे करके, और जो अदर हैंड है उससे पेरिनियम पैड जो है उससे हमें सपोर्ट करना है पेरिनियम को। ठीक है, पेरिनियम को सपोर्ट अगर हम अच्छे से करेंगे तो टियर होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। ठीक है, और एपिजोटॉमी जो है वो डोंट में आती है, कुछ एक प्रोटोकॉल है, वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करूंगी, डूज एंड डोंट, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस ऐसी है जो हमें रूटीन में नहीं करनी है। जैसे हमें रूटीन में बेबी का रिसक्सिटेशन नहीं करना है, रूटीन में सेविंग नहीं करनी है मदर की। ठीक है, रूटीन में हर पेशेंट को एपिजोटॉमी जो है वो हमें नहीं देना है, बेबी को पुल नहीं करना है, ऐसे और भी है जो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के डूज एंड डोंट में शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो हर प्राइमरी पेशेंट को भी ज़रूरी नहीं है कि हमें हर पेशेंट को एपिजोटॉमी देना ही है। अगर किसी पेशेंट का जो है, अगर कोई पेशेंट है उसका डायलिटेशन अच्छा है, सर्विक्स अच्छा है और उसका स्पेस अच्छी है, तो अगर हमें लग रहा है कि हाँ बिना एपी के भी इसकी डिलीवरी हो सकती है, तो हर पेशेंट में एपिजोटॉमी देने की ज़रूरत जो है वो नहीं रहती है। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड ग्रेविडा में तो बहुत रेयर चांसेस में ज़रूरत लगती है एपिजोटॉमी की। अगर हम पेरिनियम को अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हम टीयर फ्री जो डिलीवरी है वो आसानी से हम करा सकते हैं। देन बेबी का जो हेड है ना उसको अपने आप रोटेट होने देंगे। ठीक है, टर्न ज़बरदस्ती बेबी के हेड को इधर उधर जो है घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमें जो हाथों से जो है बेबी के हेड को सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है, देन पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है। जैसे ही डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है जो बेबी है उसको मदर के एब्डोमेन पे रखना है, क्योंकि सबसे जो सेफ जो प्लेस बोलते हैं बेबी के लिए वो है मदर का एब्डोमेन। ठीक है, और सबसे सेफ जो फूड बोलते हैं बेबी के लिए वो है ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क से बढ़ के नवजात शिशु के लिए और कोई भी जो बोल सकते हैं ना उसको, वो सबसे अमूल्य है माँ का दूध।
देन उसके बाद मदर जो है उनको हम बताएंगे कि आपको लड़का हुआ है लड़की हुई, जो भी सेक्स है वो रिवील करेंगे। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग फॉर 1 to 3 मिनट्स, जो कॉर्ड क्लैंप है ना उसको हम 1 से 3 मिनट के अंदर करेंगे, और 2 से 3 सेंटीमीटर जो बेबी के अम्बिलिकस है उसे 2 से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हम कॉर्ड को क्लैंप और कट करेंगे। 1 से 3 मिनट के बीच में ही हमें क्यों करना है, मतलब डिले क्यों करनी है, उससे क्या होता है कि जो प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी के अंदर जितना भी ब्लड है वो अपने आप जो चला जाए 1 से 3 मिनट के अंदर सर्कुलेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, तो उससे जो है बेबी को हम एनीमिया से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कॉर्ड को क्लैंप करना है। नोट टाइम ऑफ बर्थ, सेक्स, बेबी ऑन पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ में हमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ड्राई द बेबी एंड मदर्स एब्डोमेन विथ प्री वॉर्म टॉवल्स, तो प्री वॉर्म टॉवल से मैं फर्स्ट जो टॉवल है उससे हमें बेबी को क्लीन करना है। ठीक है, हेड टू टो, और जो सेकेंड प्री वॉर्म टॉवल है उसमें बेबी को कैरी करना है। इसके बाद हमें चेक करना है कि बेबी में क्राइंग और ब्रीदिंग जो है वो वेल है या नहीं। अगर बच्चा अच्छे से रो रहा है और सांस ले रहा है तो फिर हमें ENBC की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अर्ली न्यूबॉर्न केयर जो है उसके ओर। और अगर बेबी में ब्रीदिंग नहीं है, जैसे ही हमने बच्चे को माँ के पेट पे रखा, एब्डोमेन पे रखा, और हमने ये देखा कि जो बच्चा है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसमें क्राइंग नहीं है या वो साइनोज्ड है, तो हमें 1 से 3 मिनट का वेट नहीं करना है कॉर्ड को क्लेम करने के लिए, हमें तुरंत कॉर्ड क्लेम करना है और बेबी को जो है हमें रिसक्सिटेशन के लिए रेडी एंड वार्मर पर तुरंत जो है वो प्लेस करना है। तो ये हमारा जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ये यहाँ पर कम्प्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। इसके अलावा जो बाकी की 6 स्टेशन और है इसमें वो भी हम डील करेंगे, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन, मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक PPH, मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया और ABC अप्रोच, ऐसे 6 स्टेशन हैं। इस चेकलिस्ट में 6 है और एक और जो चेकलिस्ट है उसमें शायद 12 है, तो हम डेली थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको कवर करेंगे। मैं अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो मैं इसको कंप्लीट इंग्लिश में भी बना सकती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि मुझे बोलते हैं कि हिंदी में ही आप बनाओ, मुझे खुद भी हिंदी में ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है क्योंकि हिंदी ऐसी टर्म है जिसमें हम ईज़िली किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं इसको इंग्लिश में भी पूरा कंप्लीट कवर करके दे सकती हूँ आपको। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और सपोर्ट करना। थैंक यू।